झुंझुनू में दो दिन की शांति के बाद एक बार फिर आठ नए कोरोना पॉजिटिव के सामने आने से हड़कंप मच गया है। वहीं अब झुंझुनू के नवलगढ़ नगर पालिका क्षेत्र और साथ ही कैरो ग्राम की राजस्व सीमा में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जिला कलेक्टर यूडी खान ने यह बताया कि गुडागौडजी का एक युवक पूर्व में ही कोरोना संक्रमित मिला था और इसके परिवार के जब सैंपल लिए गए तो उनमें से कई रिपोर्ट बुधवार रात को आई और इस परिवार के चार और लोग जो संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा कैरो गांव के रहने वाले दो युवक भी संक्रमित पाए गए। इसके अलावा नवलगढ़ कस्बे से भी दो पॉजिटिव केस सामने आए हैं जो जमात से जुड़े हुए हैं। इधर कलेक्टर यूडी खान ने आठ नए केस आने के बाद नवलगढ़ क्षेत्र और कैरो गांव के राजस्व सीमा में कर्फ्यू लगा दिया है। वहीं गुडागौडजी में लगाए गए कर्फ्यू में पूरी सख्ती बरतने के आदेश दिए गए हैं। आए हैं उसमें से चार केस गुड़ा गांव के हैं। वो जो कल केस आए थे उन्हीं के परिवार के लोग हैं, उन परिवार में रहने की वजह से बड़े हैं। और जो चार बाकी केस आए हैं, दो केस केरु गांव के हैं जो नवलगढ़ के पास हैं और दोनों दुबई और कतर जाके आए थे। और बाकी जो दो केस हैं वो दो केस नवलगढ़ कस्बे के हैं और वो मरकज जाके आए।